अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू NBS फाइन कुकिंग। आज मैं मेरी वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ इजी एंड क्विक खड़ी दाल कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मसूर की खड़ी दाल बनाने के लिए मैंने पहले यहाँ पर 1/4 किलो मसूर की दाल ले लिया है। मसूर की दाल ऐसी होती है, इसे दो पानी से अच्छे से धोकर रख लीजिए। एक मीडियम साइज की प्याज लेकर उसे ऐसे स्लाइस कर लीजिए। ऊपर एक भगोना रखेंगे, इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। अब तेल को हम गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें स्लाइस करी हुई प्याज डालेंगे। प्याज लाइट ब्राउन कलर हुई जब तक हम इसे तल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा करियापाक डालेंगे। प्याज और करियापाक को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। इसे हम थोड़ा सा हिला लेंगे। अब हम इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे, रफली चॉप्ड। इसे भी अच्छे से हिला लेंगे। टमाटर थोड़ा नरम हो चुका है। ये ग्लास से मैंने एक ग्लास दाल लिया था, तो इसी ग्लास से हम लोग 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम पानी में बॉईल आने देंगे। हमने पानी में भिगा कर रखी थी, हम उसमें से पानी निकाल लेंगे। पानी बॉईल हो चुका, अब हम इसमें दाल डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से हिला देंगे। फिर बॉईल आने के बाद इसे सिम पे करके ढाप कर रख देंगे। बॉईल आ चुका है, अब हम इसे सिम पे करके इसे ढाप कर रख देंगे जब तक पानी खत्म हो जाएगा, जब तक हम इसे पकाएंगे। हम दाल को चेक करेंगे, दाल में अभी पानी बाकी है, तो अभी हम इसे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। नमक हम लोग दाल गले बाद ऐड करते हैं, अगर हम लोग पहले ऐड कर देंगे तो दाल नहीं गलेगी। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और कटा हुआ कोथमीर। इसे अच्छे से हिलाकर फिर पानी सूखे तक पकाएंगे। पानी बाकी है तो हम इसे ढक कर रख देंगे। पानी थोड़ा बाकी है और दाल में भी थोड़ी कसर बाकी है, तो अब इसे ढाप कर रखेंगे तो उसमें दाल पक जाएगी। हमारी खड़ी दाल बन चुकी है, पानी भी पूरा खत्म हो चुका है। आपको पानी बिल्कुल नहीं सुखा देना है, वरना हमारी खड़ी दाल ड्राई हो जाएगी, सूखी सूखी दिखेगी और रोटी के साथ मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा पानी रखना है ताकि हमारी खड़ी दाल जूसी दिखे। देखिए हमारी खड़ी दाल कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी मैशी मैशी नहीं हुई, हमारी दाल एकदम खड़ी खड़ी है। अब हम खड़ी दाल को डिश आउट कर लेंगे। खड़ी दाल को डिश आउट करेंगे। हमारी खड़ी दाल बनकर बिल्कुल रेडी है, कितनी जबरदस्त और जूसी लग रही है। आप ये सालन रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ खा सकते हैं, नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। ये सालन बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। मेरे चैनल पर आपको क्विक एंड इजी रेसिपीज मिलेंगे, जिसे पकाने नहीं आता वो भी पकाना सीख जाएगा। होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।